हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है बीएससी नर्सिंग का वो कब आ रहा है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या उसके अंदर जो नंबर ऐड होंगे वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्या आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। पेशेंस बनाकर वीडियो करने तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो या तो कल 2 बजे के से लेकर और रात को 9 बजे तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अभी तक किसी के भी पास, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा यूट्यूबर हो, किसी के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप लोगों की जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है वो कब आएगा या नहीं आएगा। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है। जो भी बता रहे हैं सब अपने अंदाज से बता रहे हैं। तो जैसा मैं अनुमान आप लोगों को बता रहा हूँ, या तो कल 2 बजे से लेकर 8 या 9 बजे के बीच आप लोगों का रिजल्ट आ ही जाएगा, वरना परसों आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 10 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे के बीच में आप लोगों को साइट पर देखने को मिल जाएगा। जो कि आप सभी को मैं जब भी रिजल्ट आएगा तुरंत आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा। जो लोग भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आप लोगों को जो है हर घंटे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लो। वहाँ आप जो भी डाउट पूछोगे वहाँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बात कर ली कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो रिजल्ट या तो आप लोगों का कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों की पहले आंसर की आएगी उसके बाद रिजल्ट आएगा तो 1 दिन का टाइम और लग सकता है। अगर पहले आंसर की आ गई तो आप लोगों का टाइम लग सकता है कि रिजल्ट में 1 दिन और डिले कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आंसर की नहीं डालेंगे, वो नई आंसर की नहीं डालेंगे तो डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट डालेंगे, वो कल या परसों आप लोगों का रिजल्ट जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात रही कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, अगर रिजल्ट हमारा आ जाएगा कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि रिजल्ट में आप लोगों के 7 नंबर बढ़ने की आशंका है। मुझे नहीं लगता कि पूरे 7 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम मानकर चलें तो लमसम लगभग आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन जो है नंबर आप लोगों के बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के नंबर जो है बढ़ने की चांस मेरे को लग रहा है, जहाँ तक 80% तक चांस यही है कि आप लोगों के 4 से 5 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक बार जनरल कट ऑफ यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि हल्की हल्की सी। तो अगर मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में अगर जिसके भी 65+ नंबर आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 55+ या 50+ नंबर आ रहे हैं या 52+ नंबर आपके, मान लेते हैं 52+, अभी ऊपर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एवरेज है 52, जिसके भी 52 नंबर आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज उसको मतलब आसानी से मिल जाएगा, इजीली उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अगर 52+ नंबर आ रहे हैं। जो मैंने जनरल की कट ऑफ बताई है वही सेम रहेगी आप लोगों की, जो जनरल की जो मैंने कट ऑफ रही है वो आप लोगों की ओबीसी की सेम कट ऑफ रहेगी, ओबीसी और जनरल की सेम कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 50+ पर ओबीसी कैटेगरी में जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जनरल में 52 पर मिलेगी। एससी और एसटी दोनों की सेम रहती है, तो दोनों की एक साथ बता देता हूँ। अगर यहाँ पर अगर आपके 48+ नंबर आ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगी, और जिन किसी भी स्टूडेंट के 62+ नंबर आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगी, ठीक है। एसएमएस कॉलेज की एक साथ बता देता हूँ, 85+ या 82+ नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को इजीली जो है एसएमएस कॉलेज मिल जाएगी, चाहे फिर वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है। गर्ल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक कट ऑफ आप कम कर लीजिएगा, एक एक दो दो नंबर आप कम कर लो तो गर्ल्स की कट ऑफ यही रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें एमबीसी या जिन्हें जो कि गुज्जर होते हैं वो एमबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एससी एसटी के लगभग ही रहेगी, एक दो कट ऑफ अगर मतलब एक दो नंबर कम कर लें एमबीसी कैटेगरी का। अदर स्टेट वाले जो हैं वो जनरल के अंदर आएंगे और जनरल की कट ऑफ मैंने बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और काउंसलिंग में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हमको कॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात इसके अंदर बता देता हूँ, बाकी काउंसलिंग की जो वीडियो होगी वो मैं अलग से आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है।
अभी पीसी ऑन था लेकिन अभी बंद कर दिया, वरना मैं आप लोगों को जो कमेंट थे आप लोगों के वो भी बता देता। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे 45 नंबर है, सर हमारे 60 नंबर है, सर हमारे 62 हैं, सर हमारे 52 हैं। तो इसके लिए मैं आज फिर से आप लोगों का YouTube पर वोट करवा रहा हूं और मैं एक पोल डालूंगा जिसके अंदर आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं उस पोल के अंदर आप जवाब देना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी ऑफिशियल कट ऑफ भी अभी एक दो दिन में आने वाली है, तो वो भी मैं YouTube पर बता दूंगा ऑफिशियल कट ऑफ क्या आएगी, काउंसलिंग कब हो रही है इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। काउंसलिंग कैसे करवानी है मैं अभी आप लोगों को बता दूँ, अगर आप काउंसलिंग मेरे से करवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो चांस है वो कॉलेज मिलने के बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखकर आराम से कहाँ किस तरीके की आप लोगों को कॉलेज भरनी है, किस स्टूडेंट को कौन सी कॉलेज भरनी पड़ेगी, किसको कौन सी कॉलेज नहीं भरनी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो करवाना चाहता है वो मेरे से करवा सकता है, मेरे नंबर है 9828306559, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमें काउंसलिंग करवानी है, कितना क्या चार्ज लगेगा मैं आपको बता दूंगा, फोन पे नंबर बता दूंगा, इस पर आप पेमेंट करें, जो भी आपकी चालान की रिसिप्ट होगी वो आपके नंबर से ही काटी जाएगी, आपके पास में मैसेज जाएगा इतने नंबर का आपका चालान कट चुका है, बाकी बकायदा आपका जो भी प्रोसेस रहेगा आप लोगों को व्हाट्सअप पर फोटो खींचकर यहां से बता दिया जाएगा, ठीक है। इतने हम आप के लिए कर सकते हैं, मैं आपका सीनियर हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये बोलते हैं कि सर कॉलेज मिलने के बाद क्या आप हमारी हेल्प करोगे या नहीं, तो बिल्कुल आपकी हेल्प होती रहेगी। सेमेस्टर में किस तरीके से एग्ज़ाम लगेगी, कौन सा पेपर कब लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितनी दिन तैयारी करनी है, क्या सॉल्ड पेपर से पढ़ें क्या नोट से पढ़ें, सब कुछ आप लोगों को बताता रहूँगा। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का आप लोगों का, और जो घंटी वाला बटन होता है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और बहुत सारे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि सर अगर हमारे बच्चे हैं उनको अगर कम नंबर पर कॉलेज नहीं मिली तो क्या उनका साल ख़राब होगा, तो साल तो ऑफिशियल अगर बात करें तो साल तो क्या ही ख़राब, अगर आप जाएं और कम नंबर है, जिनके भी 30 से कम नंबर है मैं आपको अभी बता देता हूं, किसी भी कंडीशन में आपको कोई सी भी कॉलेज नहीं मिलेगी। जिनके 35 से कम नंबर है उनको भी कॉलेज नहीं मिलने वाली है, मैं आपको अभी बता देता हूं। हाँ मान लेते हैं उनको मिल जाएगी, जो विकलांग हैं जिनके माता पिता भी कोरोना में ख़त्म हुए हैं या शहीद हो गए उनके माता पिता, तो उनको 20 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अच्छे हैं सही हैं उनको यहाँ पर मैं बात करूँ तो जहाँ तक ही है 40 से कम वाले को बहुत कम चांस है, 15-20% चांस है कि किसी को कॉलेज मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा कॉलेज, ठीक है। बस उसके लिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जिनके भी 40 से कम वाले स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज लेने का तरीका भी मैं बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा, अगर या तो उनमें कॉलेज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर आपको दूसरा जो तरीका है वो मैं बता दूंगा। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, या तो 40 से कम वाले स्टूडेंट को कॉलेज मिल ही जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो का जो थंबनेल रहेगा वो ये रहेगा कि 40 से कम नंबर वालों को किस तरीके से कॉलेज मिलेगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना जिनके भी 40 से कम नंबर है, क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या आप नहीं पढ़ें उसकी वजह से आपका एक साल ख़राब हो, क्योंकि आपके घर वाले ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा नौकरी लगने से एक साल और पीछे रह जाए, सबके घर वाले यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा बेटा या बेटी नौकरी लगे, और जो है हम बस यही सपना देखते हैं, उनके घर वाले यही सपना देखते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, और जल्दी से जल्दी नौकरी लगने में अगर आपका एक साल ख़राब हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अपने जो घर वाले हैं उन पर क्या बीतेगी। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे मेरी कॉलेज से बहुत काम है, मुझे पढ़ना भी होता है, बाकी बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अभी मेरे को YouTube से कोई मनी नहीं मिल रही है क्योंकि मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज है, मैंने पहले भी बताया था 3 महीने के लिए डीमोनेटाइज है, कोई पैसा नहीं मिल रहा मेरे को YouTube से अभी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपको ऐसा ना लगे कि भाई इसको पैसा नहीं मिल रहा तो ये वीडियो नहीं बना रहा। अभी 1 महीना और मेरे को पैसा नहीं मिलेगा YouTube से, ठीक है। 3 महीने से मैं वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही YouTube से, लेकिन अभी लास्ट महीना बचा है, इस महीने के बाद आई होप जो भगवान की दया से चैनल मोनेटाइज वापस से हो जाएगा। आपको पता है मेरे चैनल पर जो स्ट्राइक पड़ गई थी वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो आपके सर हैं, नाम तो नहीं लूँगा, फिर
हो सकता है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने नाम ही लिया था, उसकी वजह से मेरे को स्ट्राइक पड़ गई थी। पता नहीं क्यों ऐसे लोग हैं जो अपने नाम से भी स्ट्राइक दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना भी किसी को कठोर होना चाहिए। बस नाम यूज किया था मैंने उस वीडियो में, जो भी उस वीडियो को ढूंढ के और फिर स्ट्राइक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। किसी के आप ये समझो कि कोई अगर दो पैसे कमा रहा है तो उसके ऊपर आप ऐसा उसके पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। बाकी मैं ऐसा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है यूट्यूब से कि किसी से, बस मैं मेरी कर रहा हूँ। बाकी वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो प्यार एंड सपोर्ट है वो मिलता है, आपके कमेंट आते हैं उनको पढ़कर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। कई कमेंट ऐसे आते हैं जिनको डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि क्या ही वीडियो बनाए यार हैं। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेट मिलता है और आप लोगों के लिए वीडियो बना लेते हैं। लेकिन कई बार आप समझ सकते हैं वीडियो नहीं आती है, उसका कारण यही होता है कि जब कोई कमेंट ऐसा आ जाता है तो उसको देखकर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता कि यार क्या ही वीडियो बनाए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूँ आप मत देखो मुझे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही फेंकता है कुछ भी करता है, मत देखो। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर कहूँगा मत देखो मेरे को। लेकिन बहुत सारे आप गलत कमेंट ना करें मेरे चैनल पर, बस इतना सा आप काम करें, कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जिससे मेरे को हर्ट हो। ठीक है, बाकी आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि पागल बनाता है, वो बनाता है। भाई जब आप इस जगह बैठोगे, आप वीडियो बनाओगे, आप वो करोगे ना, तब आपको पता लगेगा। बस आपका मोबाइल कमेंट कर देते हैं सामने वाले की, नहीं सोचते कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट करने से पहले आप 10 बार सोचें, उसके बाद कमेंट करें। मैं अभी ये नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी यूट्यूब पर ये ऑप्शन है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई अब्यूज कमेंट आता है तो आप उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। बस आप ध्यान रहें कि ऐसे कमेंट ना करें। ठीक है, बाकी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन वीडियो आती रहेगी। मैं पता नहीं कहाँ डिस्टर्ब हो गया, जो कंटेंट था उससे भटक गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगी। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।